मेरा नाम नोमान अंसारी है। आप ये मुझे बता दें कि कुर्बानी करने वाला बाल और नाखून काट सकता है या नहीं? जी हुजूर, ये भी एक मसला आता है कि अब क्या करें। देखिए, चाहे कोई शख्स कुर्बानी करने वाला है यानी उसने कुर्बानी करनी है या नहीं करनी, ठीक है, दोनों के लिए ही मुस्तहब ये है कि जब जुल्हिज्जा का चांद नज़र आ जाता है जी, तो अब वो अपने बाल और नाखून वगैरह न काटे और ईद के दिन कुर्बानी वगैरह के बाद, ईद की नमाज के बाद काटे। जिसने कुर्बानी नहीं की, सही, उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा, ठीक है। मगर ये बात जहन में रहे कि इन दिनों के अंदर कुर्बानी की शायद उतनी गुफ्तगू नहीं होती, या जो अहम चीज़ें होती हैं या जो फ़राइज़ व वाजिबात होते हैं उनकी इतनी गुफ्तगू नहीं होती जितनी इस मसले पर गुफ्तगू होती है। सही। तो ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, और ऐसे शख्स के लिए भी ये हुक्म नहीं है कि अगर वो 10 दिन तक इंतज़ार करेगा तो 40 दिन पूरे हो जाएंगे। यानी पहले से उसने मिसाल के तौर पर नाखून नहीं काटे, जैसे बाज़ों की आदत होती है कि वह नाखून बड़ी देर से काटते हैं, जल्दी नहीं काटते, तो अब उसको पता है कि उसके 40 दिन 5 ज़ुल्हिज्जा को पूरे हो रहे हैं। अब 40 दिन से ज़्यादा इनको छोड़ देना जो है ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, तो अब इसको उसी वक्त काटना होंगे। सही।